हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड, ठीक है। जो कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक थ्रेड के बारे में, एक थ्रेड क्या होती है और मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी टास्किंग क्या होता है, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में हमने बात किया था। तो अभी आज हम देखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड, एक थ्रेड की लाइफ साइकिल बॉन्ड से लेकर टर्मिनेशन तक, मीन्स डेड तक। एक थ्रेड का क्या होता है, मतलब उस थ्रेड क्या करती है अलग अलग स्टेज में, वो सब चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सब शुरू कर देते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखो, जब एक अलग अलग थ्रेड जो होता है ना, एक अलग अलग मतलब एक अलग अलग स्टेज से गुजरती है, जब वो स्टार्ट से बॉर्न होती है तो अलग अलग स्टेज से गुजरती है एंड देन एक डेड स्टेट में जाके फिर टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेट होता है, मतलब सबसे पहला जो स्टेज होता है, जब आप एक थ्रेड क्रिएट करते हो, और मैं आपको बता दूं, थ्रेड को क्रिएट करने का जो होता है इंटरफेसेस से, मतलब क्लास को इंटरफेसेस से इंप्लीमेंट करके आप थ्रेड को क्रिएट करते हो, इंप्लीमेंट करके रनेबल स्टेट में आप थ्रेड को क्रिएट करते हो, बराबर। जब हम कोड करेंगे तब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, एंड देन हम उसके अंदर कोड लिखने के बाद, मतलब थ्रेड को क्रिएट करने के बाद, उसके अंदर आप सारे कोड जो है, आप रन मेथड के अंदर आप कोड को लिखते हो, आपको जो थ्रेड से काम करवाना है वो पूरा टास्क आप लिखते हो, एंड देन आप नीचे मेन मेथड में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उस थ्रेड का, बराबर। तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला स्टेज जो होता है वहीं से शुरू होता है एक थ्रेड का, जो कि न्यू। जब एक थ्रेड वहीं पर आपको क्रिएटेड, मतलब थ्रेड वहाँ पर क्रिएट हो जाता है एक न्यू स्टेट में रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर मतलब आपने सिर्फ थ्रेड बनाया उसको, ना कि आपने रन किया है, ना कि आपके कोड को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। वो बात आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप ध्यान रखो न्यू के स्टेट में। ये देखो यहाँ पर थ्योरी में दिया है, व्हेन एवर अ न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड इट इज़ ऑलवेज इन द न्यू स्टेट, मतलब एक न्यू स्टेट में है वो, समझे, फॉर अ थ्रेड इन द न्यू स्टेट। तो एक न्यू स्टेट में हो, कोड मतलब कोड हैज़ नॉट बीन रन येट, मतलब कोड अभी तक रन नहीं हुआ है, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ है, ना कि रन हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस आपका थ्रेड जो है क्रिएट हो चुका है, बस वो न्यू स्टेट में है, ठीक है। तो मतलब वहाँ से एंड देन फिर जाता है आपका एक्टिव स्टेट, जो कि ये देखो, व्हेन ए थ्रेड इनवोक टू स्टार्ट मेथड, एक्टिव स्टेट। जहाँ पर एक्टिव स्टेट में क्या होता है कि ना, आपका थ्रेड जो है मतलब स्टार्ट होता है, मतलब टू डिवाइड, मतलब एक चीज़ से न्यू के बाद क्रिएट होने के बाद फिर एक स्टेज आती है एक्टिव स्टेट, जहाँ पर आपका थ्रेड जो है मतलब स्टार्ट मेथड से गुजरता है और स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड देन फिर जो आता है रनेबल, रनेबल पे क्या चीज़ होती है, आपका थ्रेड जो होता है मतलब रन, रेडी टू रन हो जाती है, मतलब आपका जो भी आपके एक, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो रनेबल के अंदर ना, मतलब बहुत सारे, अगर समझो कि बहुत सारे टास्क आप एक बंदे को दे रहे हो, तो बंदा एक एक चीज़ सुन रहा है, मतलब ये टास्क करना है, वो टास्क करना है, आप उसको बोल रहे हो कि शॉपिंग करके लेके एक बिस्किट लेके आ, या फिर घर से टीवी चालू कर, या रिमोट लेके आ, ये सब चीज़ बोल रहे हो। तो एक एक टास्क जो है वो एक साथ मतलब ऐसा नहीं कर सकता, बराबर। तो सारी चीज़ें जो है मतलब वहाँ पर टास्क जो है सुनता है कि हाँ एक एक चीज़ हमें करना है करके, वो सुनता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर रनेबल के इसमें ना, थ्रेड जो होती है वहाँ पर आके, मतलब थ्रेड शेड्यूलर के लिए रेडी होती है, और थ्रेड शेड्यूलर उसको प्रोवाइड करता है, टाइम प्रोवाइड करता है यहाँ पर, टाइम टू रन, ठीक है, मूविंग द थ्रेड टू अ रनिंग स्टेट, मतलब प्रोवाइड करती है, थ्रेड शेड्यूलर जो है हर एक थ्रेड को टाइम प्रोवाइड करता है यहाँ पर। एंड देन फिर आता है रनिंग वाला पार्ट, जहाँ पर पर्टिकुलर थ्रेड जो होता है सीपीयू की मदद से, मतलब आपके मैंने आपको ओएस वाला एग्जांपल दिया था, बराबर, तो वैसा रनेबल से लेके रनिंग स्टेट में यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर मोस्टली कॉमन चेंज, ये देखो, जनरली द मोस्ट कॉमन चेंज इन द स्टेट ऑफ ए थ्रेड इज फ्रॉम रनेबल टू रनिंग एंड अगेन बैक टू रनेबल, ठीक है। और रनिंग के अंदर ही आपका जो मेनली थ्रेड होता है, रनेबल में आपका थ्रेड जो है शेड्यूल होता है, मतलब शेड्यूलर आपको थ्रेड को टाइम प्रोवाइड करता है रन करने के लिए, और फिर रन होता है कोड रनिंग में, बराबर, मतलब आपका थ्रेड रन होता है रनिंग में। तो रन होने के बाद वहाँ पर जो टास्क करना है वो टास्क करता है, एंड देन फिर रनेबल में जाता है, फिर रनिंग में आता है, फिर रनेबल में जाता है। तो रनिंग में प्रोसेस जो है आपका जो टास्क जो है
थ्रेड को जो मिलता है वो चीज़ रन होते रहती है, रन मतलब साइमल्टेनियसली हर आपका जो टास्क दिए होते हैं वो सारे टास्क को रन करता है, फिर रनेबल में जाता है, कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूशन होता है, फिर रन रन होने के बाद फिर दूसरा अगर कोई थ्रेड है तो फिर वापस से मतलब उसको वेट करा के एक और फिर रन करने के लिए रनेबल में जाता है, एंड देन फिर वो रुकता है, फिर एक रनिंग होती है, फिर रनेबल में जाता है, इसी साइमल्टेनियसली जितने भी टास्क है वो सारे कंप्लीट होती है रन और रनेबल के अंदर, और ये ब्लॉक एंड वेटिंग जो है एंड देन फिर वो कंप्लीट होने के बाद मतलब ब्लॉक एंड वेटिंग जो है इन दोनों के बीच वाला पार्ट, व्हेनेवर अ थ्रेड इज इनएक्टिव फॉर अ स्पैन ऑफ अ टाइम नॉट परमानेंटली देन आइदर द थ्रेड इज अ ब्लॉक स्टेट और इन अ वेटिंग स्टेट। पर्टिकुलरली आप उस थ्रेड को कुछ टाइम दे रहे हो, मतलब कुछ है, कुछ इश्यू है, या फिर आपने आपके टास्क के अंदर कुछ टाइम दे रहे हो कि ये वाला टास्क पर्टिकुलरली इस टाइम के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, वैसी और एक टास्क उस टाइम के बीच में कंप्लीट होना चाहिए, तो दो टास्क अगर हो रहा है, दो थ्रेड और रन हो रही है तो वहाँ पर तो पहला जो टास्क रहेगा, पहला जो ये रहेगा वो ब्लॉक के स्टेट में या फिर वेटिंग के स्टेट में रहेगा जब तक कि दूसरे का कंप्लीट नहीं हो जाता, फिर वो रुकने के बाद और वो ब्लॉकर इसमें स्टेट में आ जाता है, फिर वो देन रनेबल में जाके फिर रन होके फिर ब्लॉक वेटिंग में आती है, मतलब ठीक है। तो दूसरा वाला जो है वो फिर ब्लॉक में रुकता है, फिर जो पहला वाला रहता है वो रन करता है, ऐसा साइमल्टेनियसली मतलब ऐसे चलता रहता है, फिर वन बाय वन ऐसा चलता रहता है, एंड देन पूरा रन होने के बाद जब पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है पर्टिकुलरली थ्रेड के अंदर, थ्रेड में आप जो टास्क दिए होते हैं वो पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है, तब पूरा यहाँ पर टर्मिनेशन वाला पार्ट आता है, वहाँ पर थ्रेड जो है टर्मिनेट हो जाता है, मतलब एक थ्रेड की लाइफ वहीं पर डेड हो जाती है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर, व्हेन अ थ्रेड हैज़ फिनिश्ड इट्स जॉब तो टर्मिनेट्स नॉर्मली, एग्जिट कर जाती है वहीं पर कंप्लीट हो जाता है, एंड देन यहाँ पर टर्मिनेशन में एक और पार्ट है एबनॉर्मल टर्मिनेशन। अगर किसी थ्रेड में कुछ एग्जीक्यूशन है, मतलब एक्सेप्शन है, कुछ भी अनहैंडल एक्सेप्शन आ गई है, कोई भी आप टास्क दे रहे हो उसमें कोई अनहैंडल एक्सेप्शन आ गई है, तो तब एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाता है या सेगमेंटेशन फॉल्ट ऐसा अनयूजुअल, तब रन ऑब्वियसली आपका कोड जो है रन करते वक्त कोई कोड इश्यू आ गया तो फिर रन नहीं करेगा, बराबर। ठीक उसी तरह यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाता है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन बोलते हैं उसको, तो आपके कोड में कोई एक्सेप्शन है उसे हैंडल करो एंड देन फिर आप थ्रेड को स्टार्ट करो, थ्रेड को रन करो, फिर रनेबल में आएगा, फिर रन होगा, फिर कुछ टाइम अगर रहा तो स्पैन ऑफ टाइम, तो मतलब कुछ रहा तो फिर वो वेट करेगा एंड देन फिर रन होगा, फिर टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो ये थी पूरी एक लाइफ साइकिल, अभी मैं आपको पिक दिखाकर बताता हूँ जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में बताया था, यहाँ पर थ्रेड क्रिएट होगी रन पे, न्यू पे, एंड देन मतलब जैसा आप ऑब्जेक्ट बना दोगे तब एक ऑब्जेक्ट बन जाता है आपके थ्रेड की, जो आप थ्रेड ऊपर ऑलरेडी मतलब क्रिएट कर चुके होते हैं उसका ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो यहाँ पर, तब वहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है न्यू में, तो न्यू स्टेट में रहता है, एंड देन फिर रनेबल वाले पार्ट में आपका जो थ्रेड जो है उसका टाइम शेड्यूल करता है, टाइम शेड्यूलर जो होता है टाइम शेड्यूल करता है इतने स्टेट में इतने टाइम में हमारा जो टास्क जो है वो कंप्लीट होकर आना चाहिए, एंड देन फिर रनिंग वाला पार्ट चलता है, रनिंग वाले पार्ट में आपका थ्रेड जो है टास्क कंप्लीट करता है, और फिर अगर कुछ उसमें वेटिंग या स्लिपिंग या मतलब ब्लॉकिंग आपने दी हो आपके टास्क में तो वो रन करता है, मतलब ब्लॉक करता है या स्लिप करता है, वो चीज़ होती है, एंड देन फिर रनेबल में आता है, फिर रनिंग होता है, इसी साइमल्टेनियसली मतलब ऐसे वन बाय वन चलेगा, फिर रनेबल में आएगा, फिर रनिंग में आएगा, फिर वेटिंग करेगा, तो ऐसे टास्क पूरी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद एंड देन फिर टर्मिनेट होगी एंड देन डेड स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। तो अभी आप समझे होंगे एक थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है फिलहाल, तो यहीं पर मैं ख़त्म भी करूँगा, लेकिन जाने से पहले आपको मतलब दो बार आपको मैं रिकैप करवा चुका हूँ वैसे भी, एक बार थ्योरी टाइप बताकर एंड देन एक बार पिक के द्वारा, बस आप सिंपल सा इतना ध्यान रखो कि न्यू में आपकी जो थ्रेड जो होती है न्यू होती है, मतलब न्यू स्टेट में रहती है आपकी थ्रेड, मतलब रेडी है अभी रन होने के लिए, एंड देन फिर स्टार्ट मेथड जब आपके थ्रेड में स्टार्ट मेथड होता है जो जब हम कोड करेंगे तब आपको पता चलेगा स्टार्ट मेथड का क्या सीन है, ठीक है। तो वहाँ पर स्टार्ट मेथड जब आप ये करते हो आपके थ्रेड में एप्लीकेबल होता है, रन होता है, मतलब स्टार्ट मेथड जब यूज़ होता है तब रनेबल में कोड आता है, और रनेबल में थ्रेड आता है, रनेबल में टाइम शेड्यूल करता है इतने टाइम में ऐसा, ठीक है। तो फिर रनेबल के बाद फिर रनिंग में जाती है, आपका जो थ्रेड जो है वो टास्क कंप्लीट करती है, एंड देन अगर आपके टास्क में कुछ चीज़ के लिए मतलब कुछ टास्क कंप्लीट करने के लिए वेटिंग या स्लीपिंग या कुछ ब्लॉकिंग है, पर्टिकुलरली आपने फॉर एग्जांपल किसी
टाइम शेड्यूल करके आपने कुछ अलार्म लगा दिया हो, अलार्म जैसे कि आपने 5 PM या फिर 6 PM या 5 AM 6 AM आपने दिया है, तो उतने टाइम तक उसको रुकना पड़ेगा बराबर एक अलार्म को। अगर आपने रात में सेट किया तो उतने टाइम तक रुक के जब उसका टाइम आएगा तब अलार्म बचेगा बराबर। ठीक उसी तरह वेटिंग और स्लीपिंग ब्लॉकिंग में भी सीन है कि मतलब आपका जो टास्क है उसमें कुछ वेटिंग या स्लीपिंग का मेथड आपने यूज़ किया हो आपके टास्क में कि इतने देर के बाद रन होना है, तो फिर वो तब तक ये रनेबल में चले जाएगा वेट होकर एंड देन ये होगा, फिर वो नोटिफाई जैसा करेगा कि हाँ अभी रन करना है तो रनेबल में आएगा, फिर रनेबल होने के बाद मतलब एक टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाती है, फिर रनिंग में जाती है टास्क कंप्लीट करती है, फिर वापस से अगर कुछ रहा ब्लॉकिंग स्लीपिंग या कुछ वेटिंग रहा तो फिर रन वो चीज़ करती है एंड देन नोटिफाई करने के बाद रनेबल में आती है। ऐसी साइमल्टेनियसली रनेबल रनिंग स्लीपिंग रनेबल रनिंग स्लीपिंग ऐसा चलते चलते फिर एक टास्क कंप्लीट हो जाती है आपके थ्रेड की, फिर कंप्लीट होने के बाद टर्मिनेशन जो कि एक थ्रेड की लाइफ डेड हो जाती है। ठीक है तो यहाँ पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा, तो आपको समझा होगा आई गेस। अगर फिर भी कुछ डाउट है थ्रेड के लाइफ साइकिल में, सिंपल सा टॉपिक था, फिर भी मैं 3 बार आपको बता चुका हूँ गाइस, तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड देन अगर फिर भी अगर कुछ है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हो, लेकिन अगर फिर भी आपको अच्छे से समझा तो बहुत अच्छी बात है, ईजी है, सिंपल है, समझ जाओगे आप। ठीक है तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देगा, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना, थ्रेड की लाइफ साइकिल किसी को सीखना है तो, एंड देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, फिर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।